गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में बेटा आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है एंगल गार्डन। ठीक है, एंगल गार्डन में बेटा क्या दिया गया आपको, यहाँ पे देखिए एक हनी बी है ना। हनी बी अपने बारे में बता रही है बेटा। वो क्या बोल रही है, व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। बेटा हनी बी क्या बोलती है कि जब मुझे हनी बनाने के लिए फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करती हूँ, बाकी जो बीज हैं उनको डायरेक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, डायरेक्शन दिखाने के लिए वो क्या करती है बेटा, हनी बी से सन तक का वो एंगल फॉर्म करती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसका एंगल फॉर्म हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट करने हैं, उनको कलर करना है बेटा, और उसके बाद उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा है ना। तो इसमें हमें चेकआउट करना है बेटा कि जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, एंगल मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बर्ड की, ट्री की और गर्ल्स की। ठीक है, तो बेटा गर्ल्स यहाँ पे क्या बातें कर रही है, देखिए, हे लुक एट दैट बर्ड इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। ये बातें कर रही है बेटा, कहती है कि देखो उस बर्ड का जो बीक है, बीक मीन्स बेटा चोंच है ना, वो क्या है, राइट एंगल से लेस देन है, कम है। ठीक है, यहाँ पे बेटा वुड पिकर अपने बारे में क्या बता रहे हैं बेटा, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड। मेरी जो चोंच है वो बहुत ही ज़्यादा नुकीली है क्योंकि इसे लकड़ी को काटना रहता है। ठीक है, और बेटा वुड पिकर का बीक किस तरीके से रहता है बेटा, समथिंग लाइक दिस है ना। तो बेटा इसमें भी देखिए एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल आपको क्या शो कर रहा है बेटा, लेस देन है ना, लेस देन राइट एंगल। ओके, लेस देन राइट एंगल। नाउ हेयर सम बर्ड्स आर ऑल्सो बीन गिवन। तो आपको देखना है बेटा कि इनकी जो बीक्स हैं वो कौन सी एंगल फॉर्म कर रही है, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। ओके, नाउ लेट अस सी द पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 में बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक विथ स्मॉल एंगल। बेटा आपको बर्ड्स को देखना है जिनकी जो बीक्स हैं ना, बीक मीन्स चोंच है ना, उसका जो एंगल है वो छोटा हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन द टू ब्रांचेस विच टू ब्रांचेस हैव द स्मॉलेस्ट एंगल। बेटा आपको ये जो पिक्चर है इसमें मार्क करना है। ठीक है, दो ब्रांचेस के बीच में आपको मार्क आउट करना है कि कौन सा जो एंगल है वो बिगेस्ट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बेटा चलिए एक एंगल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एंगल देखिए आप। ठीक है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा बेटा, ये एक बिगेस्ट एंगल हमको मिल गया, मोर देन राइट एंगल है ना। तो इसी तरीके से बेटा दूसरा एंगल भी आप ट्री में फाइंड आउट करिएगा। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए गए हैं ना, इनकी बीक को आपको चेकआउट करना है कि कौन सा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल होगा। ठीक है, स्मॉल एंगल मीन्स लेस देन राइट एंगल। तो सबकी चोंच जो है, बीक है, उनको आपको चेकआउट करना है। ओके बेटा, ओके, नाउ लेट अस सी एंगल्स इन नेम, अवर नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स इन नेम। बेटा आपने देखा होगा है ना, आपके जो नेम्स हैं, नेम्स के लेटर पे बहुत सारे एंगल फॉर्म होते होंगे। ठीक है, सपोज हेयर वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन, द नेम इज़ सुखमन। ओके, यहाँ पे देखिए बेटा सुखमन, सुखमन में कहाँ कहाँ एंगल फॉर्म हो रहा बेटा, देखिए फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। ओके, एंड हेयर वन टू, इनके वन टू थ्री। ओके, इन एच वन टू थ्री फोर। ओके, नाउ इन एम वन टू थ्री, एंड इन ए वन टू थ्री फोर फाइव है ना, इन एन वन टू। ओके बेटा, लाइक दिस। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, यू इन माय नेम देयर आर 11 राइट एंगल, देयर आर ऑल्सो 10 एंगल लेस देन अ राइट एंगल। बेटा ये जो गर्ल है सुखमन, वो क्या बोल रही है कि मेरे नाम पे 11 राइट एंगल है, 11 राइट एंगल है और 10 एंगल हैं जो कि लेस देन राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको काउंट करिएगा बेटा। ठीक है, राइट एंगल कितने हैं और लेस देन राइट एंगल कितने हैं। तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है बेटा, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, राइट थ्री नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट द एंगल। आपको क्या करना है बेटा,
तीन नाम लिखना है, ठीक है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आपको तीन नाम लिखना है और आपको एंगल्स काउंट करने हैं, ठीक है। इन फर्स्ट कॉलम इट हैज़ बीन गिवन नेम, तो यहाँ पे बेटा आपको नाम लिखना है। सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ राइट एंगल, आपको यहाँ पे कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो लिखना है बेटा। थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल, आपको यहाँ पे बेटा लिखना है कि कितने एंगल्स हैं जो मोर देन राइट एंगल हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, आपको यहाँ पे कितने एंगल्स हैं जो कि लेस देन राइट एंगल हैं, राइट एंगल से कम है, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए सपोज वी टेक हेयर एग्जाम्पल डी ई वी, ओके, देव, देव। नाउ देव इज हैविंग हाउ मैनी राइट एंगल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड ऑल दी एंगल्स, ओके। एंगल नंबर वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके बेटा। अब चलिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने राइट एंगल हैं। यहाँ पे देखिए राइट एंगल मीन्स वन टू थ्री फोर, ओके, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बेटा यहाँ पे कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, टेन, ठीक है। एंड नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल, यहाँ पे क्या मोर देन राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेटा एक ही एंगल है जो मोर देन राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, वो है ये, ठीक है, वन एंगल। सो हेयर वी राइट वन, ओके। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है ना बेटा ये, ठीक है, तो यहाँ पे वन लिख दीजिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एंगल लेस देन अ राइट एंगल, तो कितने लेस देन राइट एंगल हमको मिले हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही एंगल मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे वन लिख देंगे हम, ओके। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक हेयर राम, ओके, आर ए एम, राम। तो चलिए बेटा यहाँ पे चेक करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है, 14 एंगल्स मिले हैं बेटा हमको। तो अब चलिए चेकआउट करते हैं कितने राइट एंगल्स हैं यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, ओके, फाइव, ओनली फाइव, ओके। नंबर ऑफ एंगल मोर देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा वाले एंगल कितने मिले हैं बेटा हमको, तो यहाँ पे बेटा आप ये काउंट करिएगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में ड्रॉ करके आप ये चेकआउट करिएगा, है ना। चलिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं बेटा। एक्टिविटी यहाँ पे क्या दिया गया आपको, पुट 10 मैथ्स मैजिक बुक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, कीप वन बुक स्लेटिंग टू मेक अ स्लाइड, बेटा आपको क्या करना है, 10 मैथ्स बुक को आपको एक के ऊपर एक रखनी है, उसके बाद एक मैथ्स बुक को आपको स्लेटिंग फॉर्म में रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, नाउ डू दिस विथ सिक्स बुक, अब आपको छः बुक के साथ ऐसा फॉर्म करना है, ठीक है। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम विच स्लाइड डाउन, स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको बॉल लेना है और बॉल को यहाँ पे रख करके उसको स्लाइड करना है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो बॉल है वो बहुत फास्ट स्लाइड करेगा, ठीक है। 10 बुक्स के ऊपर रखा गया बॉल या 6 बुक्स के ऊपर रखा गया बॉल, ठीक है। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल, बेटा आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्लाइड है उसका स्मॉलर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आप एक्टिविटी करके चेकआउट करिएगा, ओके। नाउ सी द पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में क्या है बेटा, देर आर टू स्लाइड्स इन अ पार्क, विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, बेटा यहाँ पे देखिए दो स्लाइड्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्लाइड का एंगल लार्जर है, ठीक है। विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आप देखिए बेटा कौन
कौन सा स्लाइड का एंगल जो है वो लार्जर फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय, वाई. अब आप बताइए बेटा कि दोनों में से कौन सा वाला स्लाइड ये बॉय है उसके लिए सेफ होगा. तो आपको क्या लगता है बेटा, ये राइट वाला. ओके, क्यों बेटा? क्योंकि राइट वाले का जो स्लाइड है वो बेटा स्ट्रेट फॉर्म में है ना. थोड़ा देखिए यहाँ पे, इसका जो एंगल फॉर्म हो रहा बेटा वो बिगर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये जो स्लाइड है बेटा वो इसके लिए सेफ होगा. ठीक है, अगर ये ऐसे सीधे डाउन होगा बेटा तो इसको प्रॉब्लम होगी, है ना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा हम चेंजिंग शेप. बेटा चेंजिंग शेप हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.